में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम मुकद्दस पौलुस की ईद मना रहे हैं। दुनिया भर में लोग धूमधाम से इस ईद को मनाते हैं, लेकिन यहाँ सेंट पीटर्स एंड पॉल कैथीड्रल में फैसलाबाद में इसका अपना एक जज्बा है। यहाँ पर लोगों का शौक है और एक फजा है, यानी ईद शुरू होने से पहले ही बच्चे बड़े सारे तैयारी कर रहे हैं और कल के दिन यानी लोगों को दावत दी गई है कि वो आकर सारे कंपाउंड में आकर यहाँ ही रोटी खाएं, यानी ईद बनाने के बाद शाम के वक्त जज्बे के साथ लोग आते हैं किसी मकसद से। पौलुस का काम क्या था? उसका काम था प्रचार करना, और वो जज्बे के साथ प्रचार करता है। वो कभी डरता नहीं है लोगों से, लोग उसके मुखालिफ थे, लेकिन वो प्रचार करता है, पैगाम देता है। और जहां वो देखते हैं लोग उसके खिलाफ हैं, जिस तरह फरीसी बैठे थे, खड़े होकर उनको चैलेंज करता है और उनके सामने कहता है, आपने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया, डरता नहीं है, किसी से नहीं डरता। वो जज्बे के साथ खुदावंद का पैगाम देता है। आज हम भी ये फैसला करें, क्रिश्चियंस के साथ मिलकर, आवाम के साथ मिलकर, एशिया के मेम्बरान के साथ मिलकर, कि हम पौलुस का जज्बा रखते हुए आगे जाने की कोशिश करेंगे और खुदावंद का पैगाम उसको देंगे। खासकर जो नौजवान है उनको दावत दी जाती है कि वो एक फैसला करते हैं, पढ़ते हैं तो अच्छी तरह पढ़े ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो, अगर वो मुंडन सीख रहे हैं तो अच्छी तरह सीखे ताकि पौलुस की तरह वो कमा सके। पौलुस क्या करता रहा? वो टेंट बनाता रहा और ये काम करता रहा ताकि कमाई से क्लीसिया की मदद करे। तो नौजवान भी मुंडन अगर सीख रहे तो अच्छी तरह सीखे, और जो कुछ कर रहे हैं नौजवान जज्बे के साथ करें ताकि कल वो फादर होते हुए, सिस्टर होते हुए या मोमिन में होते हुए वो काम